गुवाहाटी जो है मतलब इट्स अ होमलैंड ऑफ भूपेंद्र हज़ारिका, तो बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, और ये मेरा फर्स्ट विजिट है सामने। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और बहुत ही वार्म लोग हैं यहाँ पे, और इतने अच्छे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आके अपनी फिल्म को स्क्रीन करना बहुत ही ऑनर्ड फीलिंग है मेरे लिए, और आसाम में स्क्रीनिंग है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब असम में फर्स्ट टाइम आए हैं? असम में। क्या देखा, कुछ देखा इधर? अभी तक तो कुछ नहीं देखा मैंने, जस्ट हम लोग कल शाम को 7 o'clock के हम लोग लैंड किए, देन हम लोग बहुत टायर्ड थे, हम लोग दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से आ रहे हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग की फिल्म स्क्रीन हुई 2 दिन पहले, और वहाँ पे हम लोग फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, और दरभंगा फिल्म फेस्टिवल में, दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कल मिला 28 एंड आई वॉन्ट द बेस्ट डायरेक्टर फॉर फीचर फिल्म। सो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करके आए जस्ट लास्ट 9 दिन। तो आप अपनी मूवी के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग की मूवी मैम एक्चुअली एक स्टूडेंट फिल्म है, स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, जो भी स्टूडेंट लाइफ के जो क्रक्स होते हैं व्हेन वी आर इन कॉलेज, और जो भी अराउंड 20-21 ईयर का जो एक बच्चा होता है स्टूडेंट होता है उनकी कहानी है, कि चार लड़कों की कहानी है, कि बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस और उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके अराउंड फिल्म है, कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंस्पिरेशंस होते हैं स्टूडेंट्स में, बट बिकॉज ऑफ यू नो अनकंट्रोलेबल डिसीजन टू टेक, क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, और कई छोटी छोटी चीज़ें हैं कितनी मैटर करती हैं हम लोग की फर्दर पूरे होल लाइफ में, छोटे छोटे डिसीजन हमारे कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो ऐसी चीज़ें जो हमको शुरुआत में लगती है कि ये छोटी है और कुछ इससे बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हम लोग अनविलिंगली ले लेते हैं छोटे डिसीजन जो आगे जाके बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है हमारी लाइफ में, इसके ऊपर हमारे फिल्म है। और ये स्टोरी एक छोटे शहर की है, और जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है छोटे शहरों में, यू नो काफ़ी सोशल मीडिया आ चुका है अभी यहाँ पे, और वो बहुत सारी चीज़ों को हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तो हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसको हमें भी समटाइम वी डोंट फॉलो इट बट वी वॉन्ट टू डू इट बिकॉज ऑफ द यू नो इट्स राइट नाउ इट्स फैशनेबल, तो वो सारी चीज़ों की वजह से कैसे छोटे शहरों में लाइफ हैम्पर कर रही है उसके ऊपर हमारे फिल्म में। ठीक है, आपके बारे में कुछ बोलिए, आप तो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो कुछ बोलिए मूवी के बारे में, कैसे कहां से सोचा आपने? इंजीनियरिंग और मूवी इज अ वेरी डिफरेंट लाइक डिफरेंट एंगल, तो आपका वहां से मतलब मन हट के आपका फिल्म पे कैसे आ गया? एक्चुअली यू नो मैं बहुत ही एक छोटे से शहर भिलाई से बिलोंग करता हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़, तो वो एक्चुअली भिलाई इज फेमस, भिलाई इज अ एजुकेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया, यू नो वहाँ पे इट हैज़ मोर देन 12 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मोर देन 20 यू नो अराउंड 20 मेडिकल कॉलेजेस, सो इट्स अ सेंट्रल हब, एजुकेशन हब। सो वहाँ पे क्या होता है ना कि छोटे शहरों में वी डोंट हैव यू नो डिफरेंट ऑप्शंस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, तो उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर कर गया, और मेरे फादर इंजीनियर है, मेरे बड़े भाई भी इंजीनियर हैं, तो उनके यू नो स्टेप्स से मैंने भी इंजीनियरिंग स्टार्ट की, बट आफ्टर 1 ईयर आई थॉट कि यार ये बहुत बोरिंग है। मैंने शुरू के 2 सेमेस्टर मैंने फेल भी किए, और फिर मैं बचपन से थिएटर से जुड़ा हुआ, मैं थिएटर करता रहा बचपन से, और मैंने जब मैं 5 या 6 साल का था तो मैंने फर्स्ट प्ले परफॉर्म किया था, उसके बाद मैंने बहुत सारे स्कूल प्लेस डायरेक्ट किए, लिखे भी, बट जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो बिकॉज ऑफ कॉलेज टाइमिंग एंड यू नो द शेड्यूल द होल थिएटर इज लेफ्ट आउट विद मी, यू नो, बट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई गॉट फेल फर्स्ट सेमेस्टर, देन आई डोंट वॉन्ट टू परस्यू इंजीनियरिंग, तो क्या हुआ कि हम लोग मैं मुंबई विजिट कर पाया अपने ब्रदर को, वो वहाँ पे एज एन इंजीनियर जॉब कर रहे थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे समय मिला फिर से अपने थिएटर और अपने आर्टिस्टिक उसको परस्यू करने का, और देन आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म मेकर नॉट एन इंजीनियर, बट अपने फादर को बोलना एक यू नो स्मॉल टाउन टिपिकल पेरेंट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मीडिया इंटरनेट स्ट्रांग हो चुका है, यू नो वी हैव सेल फोन विद अस एंड वी कैन मेक फिल्म ऑन दैट, बट क्योंकि मैंने कहीं से फिल्म मेकिंग सीखी नहीं है, आई एम अ सेल्फ टॉट फिल्म मेकर, और मैंने इंटरनेट से ही लोगों को पढ़ पढ़ के फिल्में देख देख के ही मैंने फिल्म मेकिंग सीखी है, और मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आज के डेट में काफ़ी
यू नो अवेलेबल है लोगों के लिए, यू नो यू कैन जस्ट टाइप इन एंड यू कैन हैव ऑल द नॉलेज यू वांट. तो मुझे ये लगता है कि अभी आने वाले जनरेशन के लिए और हम लोग जो इवन आई एम ऑलरेडी 30 राइट नाउ, सो नो बहुत अच्छा हम लोग के लिए प्लेटफॉर्म है. और जितने अभी क्या हुआ है कि सारी OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो हम लोगों को सिर्फ थिएटर के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है. अब हम लोग अगर अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वी कैन गेट यू नो डिफरेंट रिलीज यहाँ से आसाम से भी. जैसे मैंने देखा कि जैसे मूवी सेंट्स है, मूवी सेंट्स करके एक OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो ऑन डिमांड फिल्म देख सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यू नो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, देन बड़े प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया. तो आई गेस ये चीज़ काफ़ी और बढ़ने वाली है. ऑलरेडी हम लोग यू नो हम लोग क्योंकि हम लोग इसके ही पौध हैं, हम लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पे हैं और हम लोग उस पर पढ़ पढ़ के हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं. बाकी फिल्म मेकर से सुन के उनके आइडियाज़ सुन सुन के हमने सीखा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों के अंडर काम नहीं किया. मैंने 2-3 फिल्में मैं असिस्ट किया और वो फिल्म भी सेल्फ हो गई, यू नो वो भी कभी बाहर नहीं आ पाई ऐसी चीज़ें. मैंने रियलाइज़ की नहीं अगर मुझे फिल्में सीखनी है तो मैं किसी और पे भरोसा नहीं रख सकता हूँ, यू नो कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो क्या मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा, यू नो मुझे खुद अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, वो वाली जो बात होती है. तो आई होप कि ये सारी चीज़ें भी होंगी और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग जितने न्यू टैलेंट्स को चांस दे सकें हम लोग भी उनके साथ काम करना चाहेंगे, नॉट ओनली ऑन द स्क्रीन बट बैक ऑफ द कैमरा ऑल्सो, बिकॉज वी नीड मैनी पीपल टू मेक अ फिल्म. तो और यहाँ पे भूपेंद्र हजारिका जी का जो इंस्टीट्यूट है, तो आई गेस वहाँ से बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स भी निकलेंगे और बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे लोग आसाम. और असम की यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? असम की ऐसा कुछ मैसेज नहीं है, यू नो कि आई डोंट थिंक कि आई एम कैपेबल ऑफ सेइंग समथिंग और गिविंग मैसेज और समथिंग. आप इतने काम जो नया फिल्म बना रहे हैं उसके लिए कुछ बोल दीजिए, जो न्यू फिल्म बनाना चाहते हैं जो मोटिवेशन. मुझे ये लगता है कि कभी भी ना फिल्म बनाना इंपॉर्टेंट है, फिल्म अच्छी है बुरी है बाद में तय होता है, यू नो अगर आप खुद को फिल्म मेकर बोलते हैं तो आपको फिल्म बनाते रहना पड़ेगा. आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी फिल्म है ना. और आपकी फिल्म बनाने के लिए किसी और के सपोर्ट के लिए रुकना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और स्टुपिडिटी है कि ये कंप्लेन करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. अगर आप खुद को फिल्म मेकर कहते हैं तो आपको फिल्म बनानी पड़ेगी, चाहे फिल्म 1 मिनट की हो या 100 मिनट की हो या 3 घंटे की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप फिल्म में करना आपका काम है फिल्म बनाना, आपका काम है रिसोर्सेज जुगाड़ करना और सारी चीज़ें करना. और मुझे ये लगता है कि अगर आप एक बेहतर फिल्म बनाते हैं ना तो वो ऑडियंस तक पहुँचती है, अगर वो फिल्म बेहतर है तो वो लोगों तक पहुँचेगी. और हम लोग मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के जो यंग फिल्म मेकर्स से ये लगता है कि उनको ये लगता है कि उनको शायद पहली फिल्म से ऑस्कर जीतना चाहते हैं, यू नो ये चीज़ नहीं हो. आप फिल्म बनाते रहेंगे, आप छोटी फिल्म बनाएंगे, फिर आप थोड़ी बड़ी फिल्म बनाएंगे तो और बड़ी. बचपन के बारे में बोलिए थोड़ा सा. बचपन तो मेरा कुछ खास बचपन नहीं था, एकदम जो नॉर्मल बचपन होता है वैसा ही था. मुझे लोग बाहर खेलना कूदना और लोगों के बीच समय बिताना, पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था मेरा. हाँ बट आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, आई नेवर फेल्ड टिल आई रीच माई कॉलेज, यू नो. एंड बचपन जैसा एक बच्चे का बचपन दिखता है, मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही. और बचपन में सिर्फ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा ही देखा है, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, इनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए. बट वेन आई वॉज इन 12, इंटरनेट जब आना चालू हुआ, देन वी स्टार्ट वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा. और वहाँ से थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ सिनेमा को लेकर कि सिनेमा और क्या क्या होता है. सिनेमा इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज़ फॉर एंटरटेनमेंट बट नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, दैट्स व्हाट आई थिंक. सो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ सिनेमा को लेकर. और फिर ये अच्छा चीज़ था कि हमारे यहाँ पे 2-3 थिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है बट थोड़ा काम कर रहे हैं, वो लोग थिएटर चल रहा होता है. तो मैं थोड़ा सा को कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी थी तो पढ़ाई छोड़कर जो बाकी चीज़ें करनी वो सब करना चाहता था ऐसा था. तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे इंटरेस्ट बना और फिर हम क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला मुंबई आके, तो उस वजह से मैं आज के इसमें फिल्म मेकर बन पाया हूँ. और मैं स्टोरी टेलर हूँ, बचपन से मुझे स्टोरीज कहने का बहुत शौक था, बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ सुनाता था. और देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि फिल्म आर द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, यू नो, बेस्ट वे टू टेल अ स्टोरी. सो एंड इट इज़ द मोस्ट ब्रॉडर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग आई गेस. सो यही मैं करना चाहता हूँ आगे भी, और चाहूँगा कि और भी बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो लोग फिल्म मेकिंग का जो कैरियर ऑप्शन चुने, नॉट ओनली फॉर आर्ट बट इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन.
आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड? फूड 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 हाँ, माय फेवरेट फूड इज यू नो आई लव ऑल काइंड ऑफ मील एक्चुअली, आई कैन ईट एनीथिंग। असम का कुछ खाया आपने? टेस्ट किया असम का? मैंने अभी तक तो कुछ नहीं खाया, कल मैंने बैगन भाजा खाया। बैगन भाजा खाया मैंने और वो बैगन भाजा एक्चुअली मेरे दो तीन बंगाली और असमीज फ्रेंड हैं जिनसे मैं पहले मिला था, तो वो लोग बहुत टेस्टी बना रहे, तो मैं फर्स्ट टाइम आया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने बोला कि ये मुझे दिख रहा था पहले मुझे ये ऑर्डर कर दीजिए। नाउ आई विल बी रोमिंग अराउंड एंड डिस्कवर फूड हियर। You can also suggest me something, what should I eat? I'm a vegetarian actually. So. Oh, you're a vegetarian, तो मुश्किल है। हम भी वेजिटेरियन हैं, हमें भी यहाँ पे कुछ पैसा नहीं मिलता। और आपके फिटनेस के एक दो टिप्स बोल दीजिए। फिटनेस के? हाँ। फिटनेस के टिप्स तो हाँ, 30 इयर्स में लाइक इतना फिट रहना इज वेरी आजकल के जमाने में इतना पॉसिबल नहीं है, बट आप कैसे टाइम निकालते हो सब मैनेजमेंट? आई ड्रिंक too much of water actually. I drink almost 5 to 6 liters of water every day, and mostly I like to cook my own meals. Actually I love cooking. Cooking is like meditation to me. So I always try to prepare my own breakfast and lunch to hamesha idhar udhar ho jati hai cheeze, but I always try to make dinner for myself. So I always try to cook food for myself. And we can see that ki story likhna is one kind of your hobby. Yeah, you can say that. It's not like I don't write only for films. I write short stories, I write essays, I write my blogs also. So, but it's very personal to me. I don't share with things like that. But I like writing. I love to read. No, I love to explore places. I love talking to people. I'm not comfortable. I'm not, you know, very social person. But once I get to know anyone. I just love to मैं खुल जाता हूँ, मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है, मेरे को लोगों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, वो कहाँ से आते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या प्रॉब्लम्स है अभी और क्या एस्पिरेशंस हैं, ये सब सुनना मुझे बहुत पसंद है। और आई गेस आई एम वेरी नॉट गुड विद कम्युनिकेटिंग माई सेल्फ, बट आई एम वेरी गुड लिसनर एक्चुअली, आई लव टू लिसन। कुछ बुक लिखा आपने क्या? अभी तक मैंने कोई बुक नहीं लिखी है, बट आई डोंट नो मैं कुछ कभी लिख पाऊंगा कि नहीं किताब है, बट आई गेस आई एम अ गुड फिल्म राइटर, आई लाइक राइटिंग फिल्म। हेलो एवरीवन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू बोरोनिया हबर, माय नेम इज तेजस ग्वाल, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर फोर्स एंड फेसबुक पेज इज ऑल्सो। बाय बाय, have a good day.